मुंबई सपनों का शहर है तो महायुति सपनों को सिद्ध करने वाला गठबंधन है। देश का गरीब, मध्यम वर्ग और सामान्य मानवी जिसे दशकों तक खुलकर सपने देखने का भी मौका नहीं मिला, आज उसके सपने पूरे हो रहे हैं। आपके सपने ही, आपके सपने ही हमारे संकल्प है। मोदी आपके सपनों को जीता है, आपके सपनों के लिए जागता है और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत की गारंटी देता है। आज दुनिया का हर देश अपने बड़े शहरों को आधुनिक बनाने में लगा है। मुंबई के लिए यही सपना बीजेपी और महायुति ने देखा है। आज हर मुंबईकर देख सकता है कि हम कितने बड़े स्केल पर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार मुंबई को कनेक्टिविटी की हर परेशानी से मुक्ति दिलाना चाहती है और शिंदे जी ने और देवेंद्र जी ने अभी विस्तार से इसका वर्णन भी किया है। आज मुंबई में लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही है, मेट्रो लाइन हो, लोकल ट्रेनें हो, मुंबई और आसपास के शहरों को जोड़ने वाले पुल हो, महामार्ग हो, एयरपोर्ट हो, हर दिशा में तेजी से काम हो रहा है। साथियों, हमारे देश में आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, यहां भी दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन मुंबई को लेकर इन्होंने कोई फॉरवर्ड प्लानिंग की परवाह ही नहीं की। नतीजा यह हुआ कि हमारी मुंबई लगातार पिछड़ती चली गई। कांग्रेस का मिजाज मुंबई के ठीक उल्टा है। मुंबई का मिजाज यानी ईमानदारी और कड़ी मेहनत, मुंबई का मिजाज यानी आगे बढ़ने की ललक, लेकिन कांग्रेस का मिजाज क्या है? कांग्रेस का मिजाज है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मिजाज है देश को पीछे धकेलना, कांग्रेस का मिजाज है विकास में अड़ंगा डालना। आपको याद रखना है, इन्होंने अटल सेतु का विरोध किया था, इन्होंने मेट्रो का विरोध किया था। हम जब इनोवेशन की बात कर रहे थे, हम जब डिजिटल इंडिया और यूपीआई की बात कर रहे थे, तब कांग्रेस और उसके ये साथी टेक्नोलॉजी और यूपीआई का मजाक उड़ाते थे। ऐसी सोच वाले लोग मुंबई को कभी आगे नहीं ले जा सकते। साथियों, हमारी मुंबई जोड़ने में विश्वास करती है, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी
केवल और केवल तोड़ने की बात करते हैं।